अगला जो हमारा ऑफिशियल कंपाउंड है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है जो है टार्टरिक एसिड, और बहुत ही सिंपल इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो है C4H6O6, और इसका जो वजन है जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 150 ग्राम पर मोल। इसको हम बनाएंगे दिए हुए प्रोसीजर के मुताबिक, तो हम समझेंगे पहले इस प्रोसीजर को। मैलिक एसिड, ओके, इसको हम बनाएंगे मैलिक एसिड के द्वारा। मैलिक एसिड प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली बाय ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हमें बनाना है मैलिक एसिड पहले, फिर मैलिक एसिड से हम बनाएंगे टार्टरिक एसिड। ओके, तो मैलिक एसिड हमें पहले बनाना है साइक्लोहेक्सेन का ऑक्सीडेशन करके। ओके, फिर उसको हम ट्रीट करेंगे पोटेशियम मैग्नेट। ओके, तो पोटेशियम मैग्नेट का मैग्नीज के साथ जब हम परमैग्नेट के साथ ट्रीट करेंगे सो हमें मिलेगा यम टार्टरिक एसिड। तो सिंपल प्रोसीजर है, मैलिक एसिड बने और उसकी ट्रीटमेंट अल्कलाइन ऑक्सीडेशन के साथ कीजिए, रिडक्शन पोटेशियम परमैग्नेट के साथ, तो हमें मिलेगा टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड है या नहीं, या उसका एसे या उसका प्योरिटी कैसे चेक करेंगे, तो उसको टाइट्रेट करेंगे हम 0.1 मोलर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फिनोल्फथालीन को हम इस्तेमाल करेंगे इंडिकेटर के रूप में, और उसका जो रिएक्शन है वो इस तरह से 2NaOH+C4H6O6 which gives you Na2C4H4O6+ water। 1000 ml किसका, N/1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड का किससे इक्वेलेंट रहेगा, हाफ यानी तकरीबन हाफ मॉलिक्यूल ऑफ C4H6O6 यानी इसका हाफ यानी 750 ग्राम के इक्वेलेंट रहे। अब 1 ml अगर हम बोलेंगे तो 0.075। ओके, तो इसके यूजेस जो है इसके थोड़ा सा ज्यादा है। जितने भी आप कोका कोला पेप्सी वगैरह वगैरह पीते हैं ना, उन सब में होता है, क्या होता है, टार्टारिक एसिड। इफर्वेसेंट टैबलेट्स में भी टार्टारिक एसिड का ही इस्तेमाल होता है। बेकिंग पाउडर इज नथिंग बट द टार्टारिक एसिड। सिल्वरिंग मिक्सचर, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ सिट्रिक एसिड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ ओरल मेडिकेशन। टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड साथ में यूज किए जाते हैं काय के लिए, कि टेस्ट को बढ़ाने के लिए। काय की टेस्ट बढ़ाते हैं, मेडिकल्स की अपना जो मेडिकेशन होता है उसकी टेस्ट अच्छी होने के लिए सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड को साथ में काम पर लिया जाता है, और छोटे डोसेस में यानी कम डोसेस में कफ सिरप में भी इसका एज एक्सपेक्टोरेंट यानी हमारा जो कफ होता है उसे बाहर निकाल के लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। द एसिड हैज बीन ऑब्जर्व टू चिलेट मेटल आयंस। अरे भाई, जो टार्टरिक एसिड है ना मेटल को चिलेट यानी उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, कौन से मेटल के साथ, जैसे कि कैल्शियम मैग्नीशियम है, तो फार्मिंग इंडस्ट्री में मेटल इंडस्ट्री में एज अ चिलेटिंग एजेंट इसको यूज किया जाता है, जो कि छोटे 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 जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं ना उनको सॉइल फर्टिलाइजर से क्लीन मेटल निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, ये सब जो था हम देख रहे थे डिस्कशन टार्टारिक एसिड का। ओके, तो ऐसे ही आपको सुनने के लिए समझने के लिए अलग अलग ऑफिशियल कंपाउंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।